जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि गलतियाँ हैं उन्होंने भी तस्लीम किया कि हाँ कुछ कमियाँ हैं उसको हम दूर करेंगे। कई मुद्दे हैं जो वक्त अमेंडमेंट बिल में उस मुद्दों को हमने रखा कि इससे वक्त बोर्ड के अस्तित्व का सवाल बना। उनकी इच्छा है कि अमेंडमेंट बिल 2024 जो आया है इसमें थोड़ा सा जितनी भी हमारी तंजीमें हमारी अकलियती समाज को जहाँ जहाँ ऑब्जेक्शन है उसको दूर किया जाए। वो सारा आश्वासन हमारे मुख्यमंत्री ने भी दिया है कि जहाँ तक होगा इस अमेंडमेंट बिल में जो त्रुटियाँ हैं उसको खत्म की जाएगी। और आज भी हमारे माननीय मंत्री ने जो ये आश्वासन दिया है कि इसको जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रख करके जो जो ऑब्जेक्शन है उसको दूर किया। पार्टी के जितने सीनियर लीडर हैं सब लोग बैठे और सब लोगों ने बहुत सीरियसली लिया है कि जो कुछ भी इसमें अमेंडमेंट हो सकता है जो नुकसानदेह पार्ट है उसको हम लोग हटाएंगे। और जेपीसी बिहार भी आएगी, बिहार के लोगों से मिलेगी, बात करेगी, नोटिफिकेशन होगा और सब कुछ होगा। और इसमें जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में अगर त्रुटियां हैं तो उसको दूर की जाएगी। हमारी पार्टी के नेता ललन सिंह जी ने पार्लियामेंट में भी कहा कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है और आज भी हमारी पूरी पार्टी मुसलमानों के फेवर में खड़ी है। अमेंडमेंट बिल 2024 आया उसके लिए हुआ है, उसमें जो त्रुटियां हैं जो हमको एहसास लगता है कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसकी बातें माननीय मंत्री लल्लन बाबू तक हम लोग पहुंचाया। उन्होंने कहा कि हम इस बात को जेपीसी मिला के जो मेंबर को बताएंगे, जहां जहां मुझे लगता है कि गलतियां हैं उन्होंने भी तस्लीम किया कि हाँ कुछ कमियां हैं उसको हम लोग दूर करेंगे। इस बैठक में सर कौन कौन था? जितने तंजीम के लोग थे, सुनी बख्त, शिया वक्फ बोर्ड के लीडर थे, पिल्लन बाबू थे, विजय बाबू थे, अध्यक्ष जी थे, सब लोग थे उसके पास। इस पर आपत्ति जताया? भाई कई मुद्दे हैं जो वक्फ अमेंडमेंट बिल में उस मुद्दों को हमने रखा कि इससे वक्फ बोर्ड के अस्तित्व का सवाल बना। नहीं नहीं समर्थन किया तो आप जेपीसी में चला गया ना, समर्थन जेपीसी में भेजने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजवाया था। ये बात लोगों को मालूम नहीं है कि जब हम लोग जाके मिले थे मुख्यमंत्री से तो फौरन इलान बाबू से बात किया, विजय क्या नाम है संजय झा जी से बात हुई, फिर जेपीसी में जाने की बात है। अब जेपीसी उसको फैसला करेगा उसके बाद देखा जाएगा। हमारी बात वो बड़ी इत्मीनान से लाल बाबू ने सुना, कहा कि जो भी कमी है उसके आगे बात हम करेंगे। हमारे माननीय मंत्री लाल बाबू के साथ पूरी तंजीमें बिहार की आई हुई थी और इस वक्त अमेंडमेंट बिल पे सारी चर्चाएं हुई, खास तौर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज ये बैठक हुई। उनकी इच्छा है कि अमेंडमेंट बिल 2024 जो आया है इसमें थोड़ा सा जितनी भी हमारी तंजीमें हमारी अकलियती समाज को जहां जहां ऑब्जेक्शन है उसको दूर किया जाए। हमारे माननीय मंत्री ललन बाबू ने भी इसमें सहमति इनको की है और ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इस वक्त स्टेट का जो संशोधन होगा उसमें जितने भी मेम्बरान हैं उनसे बात हमारे ललन बाबू जो हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं वो इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और मुख्यमंत्री से भी मिले आप? वो सारा आश्वासन हमारे मुख्यमंत्री ने भी दिया है कि जहां तक होगा इस अमेंडमेंट बिल में जो त्रुटियां हैं उसको खत्म की जाएगी। और आज भी हमारे माननीय मंत्री ने जो ये आश्वासन दिया है कि इसको जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रख करके जो जो ऑब्जेक्शन है उसको दूर किया जाए। पूरी पार्टी हमारे सुन्नी स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इरशादुल्लाह साहब के इनिशिएटिव पे पूरी पार्टी के जितने सीनियर लीडर हैं सब लोग बैठे और सब लोगों ने बहुत सीरियसली लिया है
कि जो कुछ भी इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, जो नुकसानदेह पार्ट है उसको हम लोग हटाएंगे और जेपीसी बिहार भी आएगी, बिहार के लोगों से मिलेगी, बात करेगी, नोटिफिकेशन होगा और सब कुछ होगा। और इसमें जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में अगर त्रुटियां हैं तो उसको दूर की जाएगी। कोई किरकिरी नहीं हुई है, बिल्कुल ऐसा नहीं है किरकिरी हुई है। हमारी पार्टी के नेता ललन सिंह जी ने पार्लियामेंट में भी कहा कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है और आज भी हमारी पूरी पार्टी मुसलमानों के फेवर में खड़ी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।